हेलो मास्टर, आप बिजी हो? अब नहीं हूँ, बोलो जी। एंथोनी गोंसाल्विस निकल चुका है। अब मेरे दो आदमी उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, वो भी बैंकॉक की तरफ आ रहे हैं। सर आज ये काम निपटा दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जब पता चलेगा तो बता देगा। ओके रूम नंबर 350। तो एंथोनी गोंसाल्विस? यस। मास्टर, एक्चुअली मैं आज हॉलीडे है। बैंक काम कर नहीं रहा है। कैश दे दूं तो? हम आपसे थोड़ा सा मोहलत दीजिए। अगर दो घंटे में पैसे पहुंचे तो मार दूंगा, अगर नहीं पहुंचे तो छोड़ दूंगा। छोड़ना नहीं, प्लीज छोड़ना नहीं, प्लीज छोड़ना नहीं। हाँ बॉस। क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं। वो बैंक मैनेजर वहां मसाज पार्लर में बैठा, जाओ उठा के ले आओ उसको। हाँ बॉस। चल अपने वाला मसाज पार्लर जाना है। मेरे को मसाज नहीं करवाने का। मेरे को भी नहीं करवाना है। तो फिर बैंक मैनेजर को उठाना है ना? तो आजकल इन बैंक वालों ने वहाँ भी ब्रांच खोल रखा है क्या? हमें क्या करना है, बॉस ने बोला है, मतलब अर्जेंट है। As a prayer leader at the neighborhood mosque. Politique et les mœurs parlementaires. Isuzu Dino Fantasy Pop. Martin Feldstein, president of the National. Baya nahi daya. Sir. Excuse me.
आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन सर सर हो सकता है कि आपसे गलती हो रही हो। मेरा नाम एंथनी गोंसाल्विस नहीं। आई 2 घंटे हैं तेरे पास, अच्छी पिक्चर है देख ले। मेरी कहानी भी कुछ उस पिक्चर की तरह ही है। डेढ़ मिनट है, जो बोलना है बोल। देखिए मैं छोटा मोटा चोर हूं, मैं बहुत छोटे मोटे काम करता हूं, मैंने किसी कोई गलती नहीं की। मैं फंस आराम से बोल, शुरू से बोल, और अगर बोर किया ना तो गोली मार दूंगा। पानी पी सकता हूं प्लीज? ये कहानी 15 साल पहले शुरू होती है। फ्लैशबैक। इंटरेस्टिंग। थाईलैंड तो आप जानते ही हैं, तकरीबन इंडिया जैसा ही है ये। यहाँ पे कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, और मैडम मोंग जैसे कुछ लोगों के पास साला सब कुछ होता है। इन्हें हीरे जवाहरात पहनने का और दिखाने का बड़ा शौक था। मंदिर में भी पहन के आ जाती थी, नहीं बॉडीगार्ड साथ में रहते थे, लेकिन अब मंदिर जैसे शांत वातावरण में बॉडीगार्ड्स का क्या काम। पर अफसोस मैडम वॉन्ग वॉज वेरी रॉन्ग। रघुवीर शर्मा है, जादूगर कम और बाजीगर ज्यादा, और कबूतरों का इनसे अच्छा इस्तेमाल तो शायद शाहजहां ने भी नहीं किया होगा। ये ट्रैवलिंग सर्कस के साथ बैंकॉक आए थे, लेकिन सर्कस की आमदनी से घर चलाना तो इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने सोचा कि आखिरी दाव और बस, उसके बाद बेटी के साथ हिंदुस्तान वापस। क्या दाव है ना? अरे दीदी ला मुझे दे। जी हाँ, यो बस बस इतनी सी बात थी दीदी, ये लो। मेरा बस चलता तो मैं इसे कभी तुम्हारे साथ जाने नहीं देती। दीदी अब मैंने सब छोड़ दिया है, नई जिंदगी शुरू करूँगा। मैं ये बहुत बार सुन चुकी हूँ। नहीं मैं सच कह रहा हूँ जिया की कसम। अच्छा बाय चलो। अरे भाई ऐसे नहीं बैठती। बेटा मेरी छोटी सी राजकुमारी के लिए वहाँ राजकुमार वेट कर रहा है फूलों का हार लिए। पापा मुझे किसी की राजकुमारी नहीं बनना। क्यों बेटा? राजकुमार आएगा, तुम्हें हीरो का हार पहनाएगा, उसके बाद तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, फिर गाएगा जी 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 जिया 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 रे जिया 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 रे। चोरी के हीरे कोई बैंक के लॉकर में तो नहीं रख सकता ना, तो रघु ने भी वही पुरानी तरकीब इस्तेमाल की, एक सुनसान जगह ढूंढी और गाड़ दिया अपना खजाना। तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ। नहीं आप कुछ तो छुपा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं अपनी जिया बेटी के लिए ये खजाना संभाल के रख रहा हूँ, जब हम हिंदुस्तान जाएंगे तो इसे लेके जाएंगे। क्या है?
पापा मामा और जिया के लिए। अच्छा आईश, और ये हम सबके लिए। तुम्हारे लिए इनका ख्याल रखना। सारे हीरे एक साथ बेचने की गलती तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर उसकी वैल्यू भी तो पता लगानी थी, तो रघु एक हीरा ले गया। गुड। तू क्या बताने वाला था मुझे कि तू एंथनी नहीं है? कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम नहीं है तेरे पास, अपने बारे में बता। ठीक है। ये कौन है? ये मैं हूं, मेरा नाम मुझे लोग चैम बुलाते हैं। जाली डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह तो मैं ऐसे बनाता था जैसे सरकारी प्रेस मेरे घर में ही चलती है। मुझे सिर्फ अपने काम और काम के दाम में मतलब था। सही और गलत जैसी चीज़ों पे मैं अपना टाइम कभी वेस्ट ही नहीं करता। मेरी लाइफ फिट थी, माइंड ब्लोइंग थी। एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ रोजा। इसे देखते ही मेरी जिंदगी स्लो मोशन में चली जाती। एक ना एक दिन मेरी पीठ तोड़ देगी। कुछ नहीं होगा। कल से कहाँ थे तू? कल मैं करीब 12 थाई लड़कियों के साथ मैंने काम करा था। कुछ काम करा था यार। क्या काम करते रहते हो? You know, I missed you at the party last night. I missed it too, baby. Oh, and then you know, मैक और बाकियों ने कहा एक और बटम्स अप। I mean, हद हो गई। मेरी कैपेसिटी तुम तो जानती ही हो। I was so high. कितना अच्छा होता अगर तुम होते। अगली बार जब हम जाएंगे ना स्कूबा डाइविंग के लिए, मैक को मैं डॉल्फिन के पीछे बांध दूंगा। जिंदगी भर पानी में घूमता रहेगा साला। अगर अगले बार तुम रहे तो ना, वरना मैं मैक और डॉल्फिन ही पार्टी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। व्हाट डू यू प्रॉमिस? आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद तुम्हारी परछाई से भी दूर नहीं रहूंगा। Really? देखते हैं if you can even touch my shadow. रोजा से मैं बहुत प्यार करता था और उसे शादी के लिए मनाने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ता था। ये रोजा, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? या एक काम करते हैं यार, यही कहीं शादी कर लेते हैं। फ्लोटिंग वेडिंग, व्हाट यू से? मेबी। व्हाट यू से? रियली? तू ऐसी अच्छी-अच्छी बातें करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो व्हाट? आई थिंक अबाउट इट। प्रॉमिस यू विल? यू विल थिंक अबाउट इट। रोसा, यू विल थिंक अबाउट इट, राइट? ना। बट देयर इट गो। आई गॉट योर रिंग। गो। ऐसी लड़की कहाँ मिलती मुझे? खूबसूरत, अमीर, खुद का रेस्टोरेंट है। मैंने सोच लिया था कि एक बार रोजा से शादी हो जाए, ये दो नंबर के धंधे बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। और वैसे भी रोजा मेरे काम से खुश नहीं थी।
ऑफिस है क्या? कुछ तो ऑर्डर करो। मुझे जो चाहिए वो मेन्यू में तो है नहीं। क्या नहीं है? तो tell me your name. No. Come on, tell me your name. No. Come on, tell me your name. Okay, fine. I'll marry you. No way. She'll marry me, I'm telling you. Rosa. बहुत दिनों से कुछ बात कहना चाहता हूँ तुमसे। मुझे बताओ। थोड़ा डरता हूँ कि तुम बुरा नहीं मान जाओ। चैंप कहाँ है? मेरी बात सुनो। प्लीज। टकीला। ये टकीला। Come on। One for him. One for you. One for me. और ये मेरे लिए। Cheers. Cheers for us. That was good. सुनो, कल रात को क्या कर रही हो? क्यों? फीफी आइलैंड्स में फुल मून पार्टी है। हाँ? तियली, फुल मून पार्टी इज़ रॉकिंग। Yay! Finally तुम्हारे साथ जाऊंगी। Good, I love you for that. I love you for that. तू बना ले मुझे अब दिल में बसा ले और तेरी मेरी बात बना ले इश्क में लव सॉन्ग गा ले भंगड़ा पाले पाले भंगड़ा पाले पाले भंगड़ा पाले पाले भंगड़ा पाले पाले। बहुत खूबसूरत लग रही है आज।
तुझे देखा मैंने तुझे चाहा तूने मेरा चैन चुराया तेरे चेहरे को तेरे अरमा को धड़कन विच है बसाया ओ ओ, ओ ओ दिल जाना तेरा मैं दीवाना तुझसे है बस यही कहना बाहों में छुपा ले सीने से लगा ले तेरे बिन अब नहीं रहना आशिक नहीं कोई तेरे जैसा जाने तो दिल भर नहीं हो जानी तेरी मस्ती में डूबा जाए गल दिल मेरी गल नहीं हो माने ओ मेरे संग नैन लड़ा ले ओ मेरी जिंदड़ी तू बना ले ओ मुझे अब दिल में बसा ले ओ तेरी मेरी बात बना ले इश्क में लव संग गा ले भंगड़ा पाले पाले भंगड़ा पाले ओए बैन दे टके इच्छा शादी कर लेते हैं यार ओए बैन दे टके ओके तू वहां क्यों है अरे तेरी दा you man and wife and before I allow you the kiss of conjugal bliss does anybody have an objection stop I have an objection I can explain I swear साली किस्मत इंसाफ की लाठी में आवाज हो या ना टाइमिंग बड़ी जालिम होती है चाली पासपोर्ट के बदले में मिली माँ बहन की गालियां हथकड़ी और बास्टर्ड अंदाज 1949 तुझे क्या लगा ये सच्चा प्यार है मेरी तरफ से तो था और तूने हार मान ली और क्या करता मैं मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते आपने भी कभी किसी से प्यार किया होगा ये कहानी तेरी है मेरी नहीं ये लड़की कौन है रघुवीर की बेटी नहीं नहीं रघुवीर से मैं जेल में मिला था बैंकॉक सेंट्रल प्रिजन यहाँ पे मेरे जैसे लोगों की काफ़ी खातिरदारी होती है जेल में कई तरह की ज़रूरतें हैं और मैंने भी अपनी पान बीड़ी की दुकान वहीं पे खोल दी क्या कहते हैं ना वो लाख दुखों की एक दवा वैसे ही बस और कुछ ही दिनों में मैं कैदी से जेलर तक सबका बेस्ट फ्रेंड बन गया लेटेस्ट यही मैं रघुवीर से मिला पागल सा एक बूढ़ा अकेला पड़ा रहता था लोगों ने बताया कि कोई चोरी के हीरे बेचते वक्त पकड़ा गया याददाश्त जा चुकी थी और शायद गूंगा भी था 15 साल से जेल में सड़ रहा था 15 साल ओए तामा लाइक लो हाँ मामी था मत ताई भी ना मत ताई भी ना ले अंधे हैं साले सॉरी हे हे देखा बैठी हूँ वो वही आओ तो माय माय मी माय ना Somebody told him his sister is dead.
साला सबको कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे। छह फुटिया सांड दिख रहा है वहाँ पे, पहलवान है, चूहा चाहिए उसको, पता नहीं कहाँ डालेगा। अरे जेलर, साले का पेट तो भरता ही नहीं है। मोबाइल फोन ले लिया, रोलेक्स वॉच चाहिए उसको। रिलीज पेपर दे रहा है मेरे को जो रोलेक्स वॉच दूंगा। HMD पहनने की औकात भी नहीं है साले की। चैंप, तू बोल सकता है? फिर तू तो पागल भी नहीं है। किसी से कहना मत, नहीं तो लोग तुझे पागल समझेंगे। 15 साल से जिसके ऊपर लोग चाल और रहम की भीख फेंकते आ रहे हैं, वह अचानक ठीक कैसे हो गया? सुन, तू मुझे यहाँ से निकाल, मैं जानता हूँ तू निकाल सकता है। मेरे बाप का जेल है और मैं क्यों निकालूं? मैं अपनी बेटी को बहन के पास छोड़ आया था, अब मेरी बहन नहीं रही, वो अकेली होगी। तो 10 करोड़ के हीरे हैं मेरे पास, आधे तेरे। 10 करोड़? नहीं 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 नहीं, 3 दिन बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना। मोबाइल अवेल चाहिए तो बोल देना मेरे को। फाइट! छह महीनों की सजा काटने के बाद मैं निकल पड़ा खुले आसमान की ओर। धूप काफी थी और साले जिला ने मेरे चश्मे तक मार लिए। चोर साला। वहां से मैं सीधा गया मेरी रोजा के पास। हे गाइस, लेट्स रेज अ टोस्ट टू माय ब्यूटीफुल वाइफ रोजा। बस वही मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। जिंदगी गाड़ी अभी तेज भगानी थी। रघुवीर की बात में अगर जरा भी सच्चाई है तो 5 करोड़ के हीरे, रोलेक्स घड़ी के बदले मैंने जाली रिलीज पेपर जेल के अंदर भिजवा दिया। जेलर कमीना था, ओरिजिनल पर जबान का पक्का। श्योर, डोंट वरी। थैंक यू। पंद्रह साल बाद बाजीगर जेल से बाहर निकल रहा था और मुझे मेरे 5 करोड़ दिखाई दे रहे थे। साल बैंकॉक में रहा, कभी जगह पे नहीं आया। हीरे कहाँ हैं? तुम यही रहते हो? हीरे कहाँ हैं? तभी सुनो, अगर हीरों के बारे में बताना है तो बोलो, वरना वो बंद रखो। कहाँ हीरे? क्या मुसीबत है। DIG को तो पता चलना ही था, लेकिन इतनी जल्दी ये मैंने नहीं सोचा था। चेलर ने आधी फोर्स को अपनी घड़ी दिखा दी और वही घड़ी उसकी हथकड़ी बन गई। एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, लेकिन आपका बड़ा ही कमीना दिमाग है। जिस औरत के हीरे चोरी हुए, इंश्योरेंस ने उसको पैसा दे दिया, थाईलैंड पुलिस को उनका कैदी मिल गया, सजा काटने के बाद आपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ा, हीरे निकाले, लाइफ सेट,
बड़ा ही कमीना दिमाग है, बड़ा प्लान। शहर बड़ा था लेकिन बैंकॉक पुलिस के लिए दो इंडियन मुजरिम ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। हुलिया तो बदल भी सकते हैं लेकिन यहां पे बात बात पे आईडी मांगते हैं। हेलो, मैं चैम बोल रहा हूँ। हेलो, हू इज दिस? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे मैंने घर के। हाँ, वही पासपोर्ट वाला। अच्छा, मुझे दो नई आइडेंटिटी चाहिए। तो किस लिए? कल मिलते? फाइन, वहीं मिलते। सेम प्लेस? या सेम प्लेस। थैंक्स। ओके। स्माइल डाल मुंह पे। สวัสดีค่ะ housekeeping ที่ฉันสามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ไหมคะ room ซับกันนะเดี๋ยวขอบคุณค่ะเพื่อนว่าจบไม่สุนีจะดีกว่าเลยदेख एंथनी, मेरा नाम एंथनी नहीं चैंप है। चैंप असली नाम क्या है? चंपक चौधरी। क्या? चंपक चौधरी। चंपक चौधरी। अगर तेरा असली नाम चंपक चौधरी है तो एंथनी कौन है पता था? ये है एंथनी गोंसाल्विस, बैंकॉक का एक रिपोर्टर। इसे कमाने का तरीका कुछ अलग ही था। बड़ी बड़ी पार्टीज में स्कैंडल ढूंढता फिरता था। पोल खोलने में तो उसने जैसे पीएचडी ले रखी थी। एंथनी की निगाह लकी शर्मा पे थी, बैंकॉक के सबसे रईस हिंदुस्तानी खानदान का एक लौता वारिस। शैतान का रॉकस्टार अवतार कहते थे लोग उसे। कुछ साल पहले शर्मा सीनियर की मौत हो गई। पुलिस का मानना है कि ये काम लकी शर्मा का है लेकिन कोई सबूत नहीं। But love makes you do a lot of things. I don't tell this often, but you are my weakness, girl. Know this. Ha. Let's rock. Yeah, let's rock. Let's rock. Let's rock. Let's rock. Let's rock.
जाने दिल ने क्या कर दी है मुश्किल. Come on, baby. Go for it. Come on. Bellissimo. Come on. No! Baby, baby, come on. Come on. Come on. No! Hey, come on. Bitch! Do you slap me, bitch? Don't slap me! Huh? No one slaps like a shaman like that! No one slaps like a shaman! No one! Bitch! No one slaps me like that! No one! No one! Die! Hey! 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 Die! Papu, problem, man. Big problem. और एंथनी की लॉटरी लग गई. Shit! उसने उस सीडी की तीन कॉपीज बनाई. एक उसने अपने पास रखी, एक उसने पोस्ट कर दी अपने पड़ोसी को, और एक कॉपी भेज दी उसने लकी शर्मा के पास, इस उम्मीद से कम एक खोखा तो मिल ही जाएगा. लकी के आदमियों ने सारे सबूत मिटा दिए. एक और लड़की कुर्बान हो गई लकी के खाते में. आराम और चैन की जिंदगी शुरू होने ही वाली थी कि उस पर आ गिरी एक बिजली. I want him dead. Got that? I want him dead. Kill him. खोका तो दूर, एंथनी की लाश को कॉफिन भी नसीब नहीं हुआ. ไอ้บ้านนี้เมืองนี้นะหาความปลอดภัยไม่ได้หรอกมวดแล้วทำไมมันต้องฆ่าคนขับด้วยล่ะครับไม่รู้อ่ะแบงกอกเมื่อ देसी क्रिमिनल्स की तादाद बढ़ने लगी थी. एक ऐसा ऑफिसर चाहिए था जो इनकी जुबान समझ सके, जो उनका सुर पकड़ने में माहिर, इंटरपोल के हिंदुस्तानी उस्ताद.
Inspector Suraj Singh, who just could not sing. Looks like a gang war. Obviously, deep-seated revenge had its part to play. Any coup from the bullet? Korean sex gun bought from the street. James Bond aise hathiyar use nahi karta. Aam aadmi ki sasti zindagi ke liye sasti maut. Call Lashwani. Good morning. What do we have on the menu? This girl. Pretty. But not Zinda. She was down. इतने सारे पापड़ बेले हैं. Not down. She was doing cocaine. डॉक्टर लाशवानी, जिंदों से ज्यादा इन्हें मुर्दों में दिलचस्पी है. मौत चाहे कैसे भी, पता ये लगा ही लेते हैं. Genius. The end. Impossible to say who she is. स्थानों के लिए अमरीकी टेक्नोलॉजी, डांसर से लेकर मालिश वाली तक कोई भी इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. सिलिकॉन इम्प्लांट, जेन्युइन इंपोर्ट, फाइंड फ्रॉम बारकोड इंपोर्टर, फ्रॉम इंपोर्टर फाइंड डॉक्टर, फ्रॉम डॉक्टर फाइंड द गर्ल. सिंपल. Sing, don't sing. मुर्दों का तो ख्याल किया कर यार. Showing off हो गया? Yes. Very good. चलो, आप कुछ serious काम करो. Come. Come on. Homicide. पहले गोली मारी गई, उसके बाद लाश को जला दिया गया. लाश इतनी जल चुकी है कि मेरे लिए identity ढूंढना बहुत मुश्किल है. Terrible. Excuse me. Hello. Dr. Lashwani. Who's this? Champ बोल रहा हूँ यार. बाहर कब निकला? अभी अभी निकला. और हाँ हाँ बोल. मुझे दो नई आइडेंटिटी चाहिए. दो किस लिए चाहिए यार? या कल मिलते. या सेम प्लेस. बाय. ओके ओके लाशवानी, आई वांट द रिपोर्ट बाय दिस इवनिंग. सेइंग दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, गिव मी 48 आवर्स एट लीस्ट. 24 आवर्स. Hello, gentlemen. क्या करेगा इतने पैसों का? पांच साल लगे 15 लाख कमाने में. इतने पैसों का तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. एक अच्छा शरीफ धंधा शुरू कर सकता हूँ, घर बसा सकता हूँ, बीवी बच्चे. तो तुम क्या करोगे? इंडिया वापस जाऊंगा. क्या चीज है ये? अरे बड़े काम की चीज है. हाय I love you too. हाँ, पहले सामान उतार. चल. वाह, ये तो हाइड आउट लगता है. ये हाइड आउट ही है. इसी तो कह रहा हूँ, हाइड आउट लगता है. चलिए. ओ, हेलो अंकल. अंकल? अरे मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ अंकल. हो सकता है, पर माशाल्लाह दिखते नहीं. I am Dr. Lashwani. और आप जो भी नाम है, आज आपकी लाश बिछने वाली है. Today is your last day. ये आप लोगों के नए नाम. आपके लिए एकदम परफेक्ट. रहमत अली. रहमत अली.
तेरे लिए एकदम फिल्मी नाम एंथनी गोंसाल्विस. एंथनी गोंसाल्विस? यस. अच्छा हो गया मरने वाले का नाम गब्बर सिंह नहीं था. अरे तेरे लिए मेड टू ऑर्डर. और इनमें है लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, पेपर वगैरह, तू तो जानता ही है. एंड वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट. बरसात हो रही है बात. थैंक यू. और आज के बाद तू मुझे मिलना नहीं. वैसे भी सिर्फ मुर्दे मुझसे मिलने आते हैं. ओके बस लग. और हाँ, वो एंथनी के पासपोर्ट का जुगाड़ मैं नहीं कर पाया, वो तुझे उसे घर से जाके करना पड़ेगा. क्या एड्रेस क्या है? 11 साइम सॉय. ओके गाइस बाय. साला पैसे लेने के बाद ही बुरी खबर देता है. ये आपका पासपोर्ट, ये आपका आईडी कार्ड और ये ड्राइविंग लाइसेंस. रहमत अली, टैक्सी ड्राइवर, थाईलैंड. गाड़ी चलानी आती है ना? हाँ. चलो. थैंक यू एंथनी. जी हाँ बेटी. यश चोपड़ा की फिल्में नहीं देखता क्या? 15 साल बाद बेटी बाप से मिल रही है, ऐसे दिखाते हैं. चल फिर से दिखा. परफेक्ट. ये आपका पासपोर्ट, ये आपका आईडी कार्ड और ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस. रहमत अली, थाईलैंड, टैक्सी ड्राइवर. गाड़ी चलानी आती है ना? हाँ. चलो ठीक है. थैंक यू एंथनी. जिया बड़ी हो गई. तुम्हारे लिए माफ करना बेटी मुझे. मैंने कभी आपको दोषी नहीं समझा पापा. आपने सब कुछ मेरे लिए तो किया. सब ठीक हो जाएगा बेटा. हम हिंदुस्तान जाएंगे. मैं तेरा ख्याल रखूंगा. नहीं पापा, नहीं. मैं आपका ख्याल रखूंगी. अब मेरी बारी है. बड़ा
ये चैंप, इसी की बदौलत मैं जेल से बाहर आया। I'm sure आप लोगों को बहुत सारी बातें करनी हैं, तो आप बैठिए और मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। बैठिए। देखिए यहाँ से कहीं जाइएगा मत, पुलिस अभी भी हमारे पीछे है। एंथनी का पासपोर्ट मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। हीरे मिलने के बाद थाईलैंड में रहना तो आउट ऑफ द क्वेश्चन। एंथनी के आने जाने का कोई वक्त ही नहीं था और इसीलिए मैं उसके घर तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। इतनी आसानी से भी नहीं। ये एंथनी की नई पड़ोसन है, ये जगह मिली थी उसको रहने के लिए। उसने मुझे कुछ बुक्स और कुछ लेटर्स दिए। लेटर्स मैंने जरूरी समझ के रख लिए और बुक्स फेंक दी। मुझे चाहिए था उसका पासपोर्ट, एंथनी गोंसाल्विस का पासपोर्ट। एंथनी गोंसाल्विस। एंथनी, तुम लोगों को पैसे पूरे नहीं मिले? हम लोगों ने मिस किया क्या? क्या मिस किया? अरे एंथनी गोंसाल्विस को, वो जो जल गया और उसे तो हमने गोली मारी थी। शट अप! तुमने सालों पता नहीं किसको जाके गोली मारी। अरे वो साला घर में बैठ के टीवी देख रहा है। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाके पूरी मैगजीन खाली करके आओ, इडियट्स। साला घर बैठे टीवी देख रहा है। आज मैच है ना। देख मुझे अपनी हंसी रोकनी पड़ती थी। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके? okay?
साले की। चल फिर। पापा, पापा, हमको कुछ नहीं होगा पापा। ओ पापा प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाना पापा प्लीज। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी बुलाओ। पापा, पापा भगवान, अरे भगवान कुछ दिन और रुक जा। क्या किस्मत है लड़की की, 15 साल बाप का इंतजार किया और फिर। हेलो, हाँ मैं ओमनी टावर्स में हूँ, रूम नंबर 3502, यहीं मिलते हैं। नहीं नहीं टाइम लगेगा। फिर 100 गोलियों के बाद तुम लोगों ने किसी बुड्ढे को लुड़काया। उससे समझाने में कुछ गलती हो रही है। एंथोनी गोंसाल्विस को जान से मार डालो, मुझे उसकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और क्या सोच के तुम लोगों ने उस बुड्ढे पे गोली चलाई थी कि उसकी मौत के सदमे से एंथोनी को हार्ट अटैक हो जाएगा? पीछे लगा था ना कि गोली लगी है। लगा तो था कि लगी थी, पर एक लगाऊंगा कान के नीचे। साले एक आदमी को मार नहीं सकते, हिटमैन बने फिरते हैं। अरे मास्टर मदन का करंट रेट क्या है? लग गई ना। जी आई एम सॉरी अबाउट योर फादर। रघु की मौत का गम मुझे भी है। सपने दिखाए थे उसने मुझे। नेवर माइंड। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। हीरे होते तो बात कुछ और थी। I'm sorry। मुझे पता है हीरे कहाँ है। जेल है ये। अच्छा है, हीरो के लिए जेल से बाहर और वही हीरे जेल के अंदर। वाह। देख, अगर तेरी ये कहानी सच्ची है तो तेरे से बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं, और अगर तू झूठ बोल रहा है तो इससे अच्छी कहानी मैंने सुनी नहीं। उसके बाद वहां से नहीं। Some white wine, please. Yes, sir. Chardonnay, Miguel Torres, 1997. I'll check if we have that wine in stock, sir. I want it. Yes, sir. I'll see what I can do, sir. Smile, darling. Sorry, sir. धंधे की बात करें बाहर के आदमी के सामने, ऐसे हम लोग धंधा नहीं करते मास्टर, और इतनी बड़ी सुपारी के मामले में सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता मतलब? धंधा दे रहा हूँ तेरे को, धंधा समझा ना।
इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मदन, औकात में रह, बहुत है तेरे जैसे, समझा ना, बैंकॉक में जीना ना तेरे को। मेरा असली नाम क्या है? मास्टर मदन। बोल। मास्टर मदन, आई एम सॉरी। मास्टर मदन, आई एम सॉरी। बोल। मास्टर मदन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मास्टर मदन, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती क्यों करता है? आपने उन लोगों को मार दिया? तू पूछ रहा है या बता रहा है? आप किसी के भी सामने ऐसे ही? फिर मैं? तू तो मरने वाला है ना। चल आगे सुना। एहसान फरामोश हो तुम और तुम्हारा बाप। मर गया होता वो जेल में, मैंने निकाला उसे बाहर। एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसके बाप को मरे, ऐसे बात करते? मैंने ऐसा नहीं बात किया था। एहसान फरामोश हो तुम और तुम्हारा बाप। मर गया होता वो जेल में, मैंने उसे बचाया। बोला किसी भी तरह हो, बात तो वही है ना। एहसान फरामोश हो तुम और तुम्हारा बाप। How dare you? मैं तुम्हें यहां लाई क्योंकि तुमने पापा की हेल्प की, और तुम? मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम्हारे किस्मत में यही है, तुम जैसों के साथ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। I'm sorry, पर तुम पे मुझे सिर तरस आता है। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी। थैंक यू वेरी मच। Yeah, I'm sorry. जी आप प्लीज सुनो मेरी बात, एक बार मुझे मौका दो प्लीज। जस्ट लेट मी टाइम थैंक्स। मैं तहे दिल से तुमसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता हूँ, ये दरवाजा इतनी दूर से मत ठोको, टूट जाएगा कांच का। बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा? नहीं तो होटल में खा लेंगे, प्रॉब्लम नहीं। खाना खाएं। खड़े हो जाओ। सॉरी कैप। सॉरी कैप। देखो क्या चाहिए। I'll have a salad and coffee. Salad, coffee, tea नहीं? Cup. मैं एक ड्रिंक पी सकता हूँ? Yeah. नहीं, whiskey double. Cup. Salad, cup. शराब भी अजीब चीज़ है ना, दिमाग बंद कर देती है, दिल बोलने लगता है। और दिल तो सच ही बोलता है। मुझे सच बोलने के लिए शराब की जरूरत नहीं पड़ती।
तुम्हें क्यों पड़ेगी? तुम तो हो ही सच्ची, मुझ जैसों को जरूरत पड़ती है कि झूठा हूं ना मैं। तो सुधारो अपने आप को। कैसे सुधारूं? रघु जैसा बाप नहीं है ना, तुम्हें पता है उसने मुझे बेटा कहा था। पंद्रह साल बाद में जेल में रहा सिर्फ तुम्हारे लिए, और एक मेरा बाप था मेरे पैदा होने के 15 दिन पहले। उस शाम को मैंने बहुत ज्यादा पी ली, शायद अपने दिल की बात कहना चाहता था। माँ का प्यार क्या होता है? जिया के साथ सब कुछ कितना अलग अलग था। माँ की कहानी सिर्फ उसकी मासूमियत के आगे मेरी जिंदगी क्या थी, और उसे मैंने वो सब कह दिया जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, किसी से नहीं, अपने आप से भी नहीं। और मुझे न जाने क्यों लगने लगा कि जिया जरूर मुझे समझेगी। तो क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? किस्मत, यू नो द प्रॉब्लम इज कि तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि मैं कितना बुरा हूँ। जिया, मैं सचमुच बहुत बुरा हूँ। नहीं, तुम बुरे नहीं हो। विल यू मैरी मी? बदल दो। शराब पी रही हो? ओए, जिया सुनो ना यार, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रियली, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कैन आई हैव माय विस्की बॉटल बैक प्लीज? ये कहना था? नहीं, ये नहीं कहना है। ऑफ कोर्स नॉट। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे दिल से पूछना चाहता हूँ, Can I have a whiskey bottle back, please? Thank you. क्या? क्या क्या? क्या पूछना था? क्या पूछना था? Sorry, क्या पूछना था? जिया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम जैसी लड़की कभी भी जिंदगी में मुझ जैसे लड़के के साथ शादी कर सकती है? Don't answer that. अगर यही सवाल तुमने अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता Yes, I'd love to. मुझे बहुत हो गई है, मुझे सो जाना चाहिए। Good night. Cause I love you, cause I love you. Cause I love you, cause I love you. Kabhi tasavvur, kabhi tasveer, banke mere dil mein rehti hai tu.
कभी तस्वीर कभी तस्वीर बनके मेरे दिल में रहती है तू ओ मेरे रहनुमा ओ मेरे जानिया ओ मेरे रहनुमा ओ मेरे जानिया दिल में रहती है तू cause I love you cause I love you cause I love you cause I love you जब तू आती है बेखुदी दे के जाती है आरज़ूएं बढ़ाती है चाहत तेरी मेरे दिल की पनाहों में दिल नशी तेरी राहों में रहती है मेरी बाहों में राहत तेरी गुमसुम रहती है मेरी धड़कन अनजाने एहसासों में कभी कहकशा कभी दास्ता बनके मेरे दिल में रहती है तू ओ मेरे रहनुमा ओ मेरे जानिया दिल में रहती है तू cause I love you cause I love you cause I love you cause I love you है और खुमारी है चैन है बेकरारी है इश्क की पहरेदारी है अब हर गई ओ लम्हा लम्हा दीवारापन तन्हा तन्हा अकेला मन सुना सुना लगे जीवन तुम जो नहीं बेचैनी दे रही है तेरी बातें चाहत से भीगी कभी जिंदगी कभी आशिकी बनके मेरे दिल में रहती है तू ओ मेरे रहनुमा ओ मेरे जानिया दिल में रहती है तू cause I love you cause I love you cause I love you cause I love you जिया के सामने हीरो की अहमियत मुझे कम लगने लगी। मैंने सोचा आज अपने दिल की बात कह ही दूं। दोबारा एग्जाम दे रही हो? ओह हाय चैंप। वेल एग्जाम भी दे दिया, पास भी हो गई और नौकरी भी मिल गई इंडिया में। तो तुम इंडिया जा रही हो? पापा के साथ जाने वाली थी पर अब अकेले ही सही। हमेशा के लिए? कॉस चैंप, इंडिया इज माय होम, मेरा घर है। पर वहां से तो लोग अक्सर भाग जाया करते हैं और बहुत लोग वापस भी जाते हैं। वाओ बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी नौकरी लग गई, नो तुम्हारी लाइफ तो सेट है। बाय द वे फूल किसके लिए हैं? ये फूल मैंने एक प्यारी सी लड़की के लिए लाया था पर टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई। एनीवे तुम रख लो। दैट वाज द एंड ऑफ माय लव स्टोरी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, एक्चुअली सोच रहा हूं कि मेरे पीछे पुलिस लगी है
और एंथनी के पीछे पता नहीं कौन। तुम जानते थे एंथनी को? ना, जानता तो नहीं था, ये जानना पड़ेगा कौन था वो। जिया, मेरी वो नीली जैकेट कहाँ है? वॉशिंग के लिए दे दी। वॉशिंग? अरे यार उसके अंदर कुछ लेटर्स थे, पता नहीं कौन से पेपर्स थे। ऑब्वियसली मैं वो सब निकाल के रखूंगी ना। सॉरी, ऑफ कोर्स। पेपर्स। लक्की शर्मा, तुम जानते हो इसे? कौन नहीं जानता इसे, कमीना है एक नंबर का। शिट, अब मुझे पता चला कि एंथनी कौन है। पता चलने की खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा था कि मेरा क्या होगा, ये सीडी, ये मुसीबत मेरे सर क्यों आ गई, क्या करूं मैं। That's it. Yes! 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 हो गया। बंदूक चलानी आती? मुझे आती है। हेलो, पैसे मिल गए मास्टर? हाँ मास्टर, बस जरा। चल फोन रख। वाइन पीगा? नहीं। दारू पी के सच बोलता है ना तू? अबे ये वाइन है ठर्रा नहीं। क्या नाम है तेरा? चंपक चौधरी। चंपक चौधरी। और लोग तुझे क्या बोलते? चैंप। चैंप। नाइस, चीयर्स। English? Yes. Great. My name is Anthony Gonsalves. I'm a journalist. And I need to meet a senior officer. Somebody's trying to kill me. Mr. Anthony Gonsalves? Follow me. मेरा नाम एंथनी गोंसाल्वेस है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक मर्डर होते हुए देखा, एक लड़की का, और मुझे लगता है कि वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। दो बार वो कोशिश कर चुके हैं एंड आई डोंट थिंक आई विल लकी द थर्ड टाइम। I'm going for a walk. चलो।
नहीं ये नहीं है। यही है वो लड़की, उस रात नाइट क्लब के बाहर इसी का खून हुआ था। ये कुछ एक सिल्वर ग्रे किस्म का एक ड्रेस पहना था इसने। गुड मॉर्निंग सिंह, ये कोई नया रख लिया क्या? नहीं, ये मिस्टर एंथनी गोंजाल्वेस है, केस 367 के चश्मदीद गवाह। मुझे लगता है कि आपकी शक्ल जानी पहचानी नहीं है। तो ज्यादा हो रहा है। सॉरी, तो हम लोग इससे पहले कभी नहीं मिले ना? नहीं। खाँगा। अब तो आपको यकीन हो गया होगा। गलती से मुझ पे मत चला देना। Could not find anybody. There was a firing from that building. Mr. Gonzalez, aaj se teen police wale 24 hours aapke saath rahenge aapki security ke liye. I want you to search that whole area. Please go. Aadhi police force to uske liye kaam karti hai. In teenon mein se koi bhi mujhe goli maar sakta hai. Bangkok safe house. Bangkok mein bahut sare safe houses hain. Unme se kahin aapko thehra dunga. Gharon ke pate to postman ke paas bhi hote hain. मेरा पता लगाना उसके लिए 2 मिनट का काम है। आपके सामने ही गोली मारी थी मुझे। I could have been dead right now. तो तुम्हारे लिए बाली के किसी होटल में रूम बुक करवा दूं क्या? बाली सेफ नहीं होगा। मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, पुलिस हो चारों तरफ, यू नो, महफूज हो, एक जेल की तरह। इतने सारे जेल हैं आपके पास, कहीं भी आप मुझे भेज सकते हैं। लाइक आई डोंट नो, ये है यहाँ पे, नया है, यहाँ भेज दीजिए। प्लान का पहला पड़ाव पार हो गया था और मुझे हीरों की खुशबू तेज लगने लगी थी। Anthony, he said in jail. Harris, there's something not right about this man. Do his background check. कुछ गड़बड़ है। कैदी तो मैं था नहीं, इसीलिए मुझ पे ज्यादा रोक टोक नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे गार्डनिंग का शौक है। उन्होंने कहा ठीक है। फावड़ा लेके निकल पड़ा मैं मूर्ति के सामने। बीज तो रघु ने बो दिया था, मुझे सिर्फ फसल काटनी थी। 5 करोड़ की फसल।
फोन ले लाओ, काम करे लाओ। इंडियन फोक डांस, सैड डांस, देन हैप्पी डांस, ट्रेडिशन। आखिर 15 साल पुरानी तरकीब फिर काम आई। प्यार का इकरार आमने सामने करने में जो झिझक महसूस होती थी, उसे कबूतरों के पंखों में छुपा दिया मैंने। जिया मेरा आज सवार रही थी और कल का इतनी बेसब्री से इंतजार मैंने कभी नहीं किया था। जिया Killing me, killing me, killing me.
जब सा दर्द वर्द दे दिया, ये कैसा हाल वाल कर दिया, ओ बानुमा। रग रग में इश्क का जहर, रग रग में इश्क का जहर भर दिया, ओ तूने मेरा चैन वैन ले लिया, और जब सा दर्द वर्द दे दिया, ये कैसा हाल वाल कर दिया, ओ बानुमा। तो कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम? सुपर। हीरे निकल गए हैं और बस एक काम बाकी है, उसके बाद लाइफ सेट है। और कुछ? कैसे कहूँ तुम्हें, आई लव यू। कैसे? कह भी दो ना, कम ऑन चैंप। कबूतर कैसा है? बस यही कहना था। एनीवे, मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है, आज या कल मैं इंडिया जा रही हूँ। जाना जरूरी है? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, और अब मुझे जो करना है मैं वो कर रही हूँ। हीरे ओमनी टावर्स में है, रूम नंबर 3502 के लॉकर के अंदर। कमरा एक हफ्ते के लिए बुक है एंथनी गोंजाल्वेस के नाम से, और ये रहा तुम्हारा सीडी है। फोटोग्राफ। थैंक्स। बाय चैंप। Have a safe flight. This is very important. Keep him safe. सिंह हियर। मैं एंथनी बोल रहा हूँ। यस एंथनी, आई एम रेडी टू लीव। ठीक है एंथनी, कल सुबह तुम तैयार रहना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। सी यू टुमारो। अपो, एंथनी कमिंग टू बैंकॉक टुमारो। एंथनी गोंसाल्विस। एंथनी गोंसाल्विस। होटल क्यों जाना है, घर क्यों नहीं? घर अगर महफूज होता तो जेल में क्यों रहता? सर, एंथनी कंसावेट इज चैंप छत्री, आल्सो कॉल्ड चैंप। इससे पहले क्या करते थे? बिजनेस। मेरा नाम चैंप नहीं एंथनी है। मेरे यहां पर क्या लिखा है? इडियट। चंपक चौधरी, बैंकॉक की पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है। अभी तक तो तुमने सिर्फ बैंकॉक का जेल टूरिज्म देखा है। बैंकॉक में
इंडियन पुलिस कैसे खातिरदारी करती है मैं तुझे दिखाता हूँ। मुझे बेवकूफ बनाया, यू आर गॉन। देखिए मुझसे गलती हुई मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी गलती की सजा क्या है? 6 महीना 8 महीना? लेकिन मैं जो सबूत आपको दूंगा उससे आप लकी शर्मा को हमेशा के लिए अंदर कर सकते हैं। प्लीज एक बार अपने जेलर को फोन कर लीजिए, मैंने वो सीढ़ी वहीं छोड़ी है। प्लीज डोंट शूट, प्लीज डोंट शूट। स्टॉप द मैन, स्टॉप। सूरज सिंह, एंथनी की सीडी में क्या है? ओह माय गॉड, लकी शर्मा हैज एक्चुअली किल्ड द गर्ल। Anthony Gonzalez, nice meeting you. And champ, दोबारा अगर बैंकॉक पुलिस के हाथ लगे तो गोली मार दूंगा। Mr. Singh, you're a good man. Get out, out. तेरी कहानी अच्छी है, लेकिन सच्ची है या नहीं ये तो हीरो से ही मालूम पड़ेगा, राइट? राइट। हीरे कहाँ है? लॉकर में। लॉकर का नंबर? 1008। 10th of August। सब यही गलती करते हैं। तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, जिया का है। लॉकर खोल। अच्छी कहानी थी। बेडरूम में एक और लॉकर है शायद। पप्पू, एंथनी मरा कि नहीं? नहीं, आपका काम हो जाएगा। व्हाट द हेल डू यू मीन बाय हो जाएगा? हाँ पप्पू, आई वांट दिस वर्क डन राइट नाउ। यू गॉट दैट राइट नाउ? मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने पैसे दिए ना, बट डोंट वरी सर। Stop thinking, start living. Please. Hey, Omni Tower. Chal. Thank God.
the hell have you been? Where the bloody hell have you been? I'm sorry. He was in your custody for so long, you should have shot him. Why the hell do I pay you guys so much for, huh? For what? Please give one more. I will try again. Shut up. Hey, you. Hey. What? See. Hey! No one touches Lucky Sharma, you got that? I'm lucky! Not so lucky this time. Officer, तुम जानते हो तुम कहाँ हो और किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ. Just chill, okay? हिम्मत है तो इसको जेब में रख के दिखाना. Come on, come on. Tu to gaya. You're gone, boy. ये साले फालतू का मैसेज भेजते हैं, कोई काम का नहीं होता. बाय बाय. क्या ये पता लगा? अरे आप सारे धरती के बच्चे सिर्फ खाते पीते रहते हैं. मेरा साइज जिया की चिट्ठी है. हाँ पड़ेगा नहीं. चैंप, हो सकता है इसके बाद तुमसे कभी बात ना हो पाए. तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है. काश तुम हीरो के अलावा कुछ और देख पाते. मेरी फ्लाइट 6:20 की है. एनीवे हैव अ गुड लाइफ. हो सके तो बाय कहने आ जाना. सारे हीरे छोड़ गए ना? हाँ मास्टर, प्लीज मुझे जाने दो. अगर ये फ्लाइट चली गई तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा. प्लीज प्लीज. नीचे लाल कलर की फरारी है, ले जा. थैंक्स थैंक्स मास्टर. सुन, तुझे नई जिंदगी शुरू करनी है ना? हाँ. हीरे ले जा. ए, अगर गाड़ी पे स्क्रैच पड़ा ना तो गोली मार दूंगा. नहीं आएगी. जा. बैठ. क्या नाम है मेरा? मास्टर मदन. बोल मास्टर मदन. आई एम सॉरी मास्टर मदन. आई एम सॉरी. बोल मास्टर मदन. आई एम सॉरी, गलती हो गई. मास्टर मदन आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई. गलती क्यों करता है? Thank you.
जिया! चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यहाँ। मुझे मालूम था तुझे छोड़ के नहीं जाओगी। फ्लाइट डिले हो गई है। एयर इंडिया, आई लव एयर इंडिया। अगर फ्लाइट वक्त पे हो तो जिया, तुम मानोगे नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैं कमरे में घुसा देता मैन हु वॉक्ड इनसाइड 35 मारे से मुझे उल्टा लटका दिया दोस्त। आई एम टेलिंग यू स्टॉप इट प्लीज स्टॉप इट चैंप। मेरे सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? अगर फ्लाइट वक्त पे होती तो क्या होता? जिया, मर जाता मैं या फिर दुनिया के हर कोने तक तुम्हारा पीछा करता। तुम्हारे आने से पहले अगर मेरी शादी हो जाती तो दांत तोड़ देता साले के, भगा ले जाता तुमको वहां से। तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को? जो चाहोगे वो कर लोगे? क्या तुम्हारी मनमानी ही चलती है? तुमने अपने आप के अलावा आज तक किसी और के लिए कुछ किया है कभी? मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा बन जाऊंगा। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा कसम से। प्लीज गाना गा। क्या गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग। कभी कभी ये गाना नहीं, वो गाना गाओ जो तुम उस दिन हंस हंस के गा रहे थे और बिल्कुल उसी तरह गाना। I want to dance and sing, I want to play the game of love, I want you in the name of love, not here up in the sky. Come with me, I want to fly. Don't stop, let the whole world know. Don't stop, let the whole world know. Come fast, don't be slow. Stop it. You know you're terrible. Yeah. काम करोगे मेरे लिए? प्लीज मुझे यहाँ पे नाचने के लिए नहीं कहना। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। मेरे लिए हीरे छोड़ सकते हैं। God, you're normal. और कुछ जो कहने आए थे वो नहीं कहोगे? चंपक चौधरी loves Jia. Will you marry me? Yes. Jia loves चंपक चौधरी. Mr. Anthony Gonsalves, have a nice flight. Thank you.
No way, no way. They raping Gina. No way, no way, no way. No way, no way. Kuliya jab paisa bole to samjho. Anthony kaun hai? Savariya tere bina jeena hai kya? 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 मेरे रब्बा जो ना दिलों से खेले चाहे मुझे दिल से जो ऐसी हसीना दे दे गोरे गालों ने काले बालों ने लूटा है हमें इन हुस्न वालों ने Without you baby no way no way no way Anthony kaun hai Savariya tere bina jeena hai kya No way no way Savariya tere bina jeena hai kya No way no way Savariya tere bina jeena hai kya No way no way Savariya tere bina jeena hai kya No way no way Hey champ wo thai wala portion wapas sunna na any time are kuri jo अच्छा है अच्छा है अच्छा है ना अरे यार अभी बहुत पक रहे हो पका रहे क्या बहुत हो गया अब अरे बंद कर यार ये बॉय स्वादिका 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 थैंक यू यहां से सीधा सुनामी सीधा सुनामी